गाइज, ये बात तो हम सब जानते हैं कि साइकोलॉजिकल मूवीज का जोनर हर एज की ऑडियंस देखना प्रेफर करती है। अब इस जोनर की मूवीज में जैसा नाम वैसी ही साइकोलॉजी देखने को मिलती है, जैसे कि किसी मूवी में आपकी सोच को परखा जाता है, या फिर किसी मूवी में कोई साइको होता है, और किसी मूवी में लीड एक्टर के साथ कुछ मिस्टीरियस घटनाएं घटती है जिनका उनके पास्ट से कोई ना कोई रिलेशन होता है। इस प्रकार की मूवीज सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल जोनर में आती है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साउथ की टॉप 6 साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज शेयर करने वाले हैं, जो कि आपको भी काफ़ी पसंद आएगी। और यार, आप वीडियो को देख तो लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ये देखो 89% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब जानते हैं अपनी फर्स्ट मूवी के बारे में, लेट्स बिगेन। लिस्ट के नंबर 1 पर आती है नादू निशी नाइगल मूवी, और ये 2011 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 4.7 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 78% लाइक किया। मूवी में आपको वीरा बहू, समीरा रेड्डी, अश्विन और समानता अकिनेनी जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो कहानी में समर चाइल्ड एब्यूज का विक्टिम बनता है जिसको एक महिला द्वारा बचाया जाता है, लेकिन उसका क्रूर अतीत उसे सेक्स के प्रति साइको में बदल देता है, जिसके बाद वो सुंदर लड़कियों को किडनैप करता है, फिर उनका रेप करता है और जिसके बाद क्रूर तरीके से उन्हें मार देता है। अब दोस्तों, आगे क्या क्या होगा और वो साइको कैसे पकड़ा जाएगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी काफ़ी अच्छी है और अगर आप साइको थ्रिलर मूवीज में इंटरेस्ट रखते हो तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए। फिलहाल ये मूवी आपको सबटाइटल के साथ देखने को मिलेगी ऑन हॉटस्टार। लिस्ट के नंबर 2 पर एक मूवी नहीं बल्कि एक वेबसीरीज आती है जिसका नाम है कन्नामुच्ची, और ये 2020 की एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसको IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली। इस सीरीज में आपको पूर्णा, विवेक प्रसन्ना और अजमत खान जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें सीरीज के प्लॉट के बारे में, तो सीरीज में प्रिया अपनी गूंगी बहरी बेटी आईसू के साथ चेन्नई के एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होती है और 20 साल पहले इसी अपार्टमेंट के उसी घर में एक परिवार के सभी लोगों की बहरहमी से हत्या कर दी गई थी। वहाँ शिफ्ट होने के बाद एक दिन उसकी बेटी आईसू गायब हो जाती है और अपनी बेटी को वापस पाने के लिए प्रिया को सालों पहले हुई उस मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाना होगा। अब दोस्तों, सालों पहले उस घर के सभी लोगों का मर्डर किसने किया और क्या प्रिया इस मिस्ट्री को सुलझा पाने में कामयाब होगी, जानने के लिए आपको सीरीज देखनी होगी। सीरीज में आपको मिस्ट्री, सस्पेंस और साइकोलॉजी सब देखने को मिल जाएगी और ये सीरीज अवेलेबल है ऑन G5 ऐप। लिस्ट के नंबर 3 पर आती है निर्वाणा इन मूवी, और ये 2019 की एक साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 87% लाइक किया। मूवी में आपको आदिल हुसैन, राजश्री देशपांडे और संध्या मृदुल जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो कहानी असम के माजुली के एक बोटमैन की है जो अपने ट्रेजिक पास्ट को भुलाने के लिए एक नई जगह, एक नई शुरुआत करने के लिए आता है, लेकिन कहानी में तुझ तब आता है जब उसका डार्क पास्ट उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है और उसे डराने लगता है। अब दोस्तों, उसका डार्क पास्ट क्या है जिसके कारण वो नई जगह, एक नई शुरुआत करने का फैसला करता है, और आगे क्या क्या होगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। मूवी काफ़ी अच्छी है जिसमें आपको ज़बरदस्त साइकोलॉजी देखने को मिलेगी, और अगर आपने मूवी को देखने का मन बना लिया है तो मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। लिस्ट के नंबर 4 पर आती है 404 एरर नॉट फाउंड मूवी, और ये 2011 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 95% लाइक किया। मूवी में आपको राजवीर अरोड़ा, निशिकांत कामत और इमाद शाह जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो कहानी में अभिमन्यु एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट है जो कॉलेज कैंपस के जिस रूम में रहता है वहाँ गौरव नाम के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। बाद में अभिमन्यु गौरव के बूथ से बातें करने लगता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जल्दी ही वो अपने आसपास कुछ असामान्य चीज़ों का अनुभव करने लगता है। अब दोस्तों, इन सब के पीछे क्या मिस्ट्री छुपी हुई है और आगे क्या होगा, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और ये हॉलीवुड को टक्कर देने वाली एक ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये मूवी हमारे इंडिया की है। मूवी आपको यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। लिस्ट के नंबर 5 पर आती है पोसंपा मूवी, और ये 2019 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 86% लाइक किया। मूवी में आपको माही गिल, सयानी गुप्ता और रागिनी खन्ना जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज, बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में, तो मूवी की कहानी रियल लाइफ सीरियल किलर अंजना और उसकी दोनों बेटियां सीमा गावित और रेणुका शिंदे की सच्ची कहानी पर बेस है जो 19 नवंबर 1996 को 40 से अधिक बच्चों को किडनैप कर लेती है और लगभग 12 से अधिक बच्चों को मार डालती है।
अब दोस्तों वो तीनों माँ बेटी ऐसा क्यों करती है, आखिर इन सबके पीछे उनका मोटिव क्या था, जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। और ये इंडिया की पहली लेडी सीरियल किलर थी जिसको बड़े लेवल पर नोटिस किया गया। अगर आपने ये मूवी देखने का मन बना लिया है तो G5 आपका दिल से स्वागत करता है मूवी देखने के लिए। लिस्ट के नंबर 6 पर आती है ट्रंक मूवी, और ये 2018 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है जिसको IMDb की तरफ से 4.1 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली और गूगल यूजर्स ने मूवी को 78% लाइक किया। मूवी में आपको अरुणा बलराज, वैशाली दीपक और निहाल राजपूत जैसे कलाकार देखने को मिल जाएंगे। गाइज बात करें मूवी के प्लॉट के बारे में तो कहानी में राहुल को हॉरर जोनर की फिल्में देखने का बड़ा शौक है। इसी बीच उसे हरिणी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद एक दिन हरिणी अपने साथ लकड़ी का एक ट्रंक लाती है, जिसके बाद से ही उसकी लाइफ में कुछ अननेचुरल और मिस्टीरियस घटनाएं घटना शुरू हो जाती है। अब दोस्तों उस लकड़ी के ट्रंक में ऐसा क्या है जिसके कारण उनकी लाइफ में अननेचुरल और मिस्टीरियस घटनाएं घटती है, जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। और ये एक रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी है जो नॉर्थ कर्नाटका में एक फैमिली के साथ गठित हो चुकी है। मूवी यूट्यूब पर ही अवेलेबल है विद हिंदी डब। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखना मत भूलिएगा। और इससे पहले यानी कल का जो हमारा वीडियो था उसमें भी हमने काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ को कवर किया था, तो आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और मैं मिलता हूँ आपसे कल यानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।